नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। उमरिया जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत हाईवे 43 की पुलिस लाइन के समीप सड़क हादसे में लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं, जिसमें दो हालत नाजुक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद जबलपुर रेफर किया गया है। घटना को लेकर बताया गया कि मोटरसाइकिल सवार भोला वंशकार निवासी खलेसर राम प्रसाद वंशकार निवासी ताला गोरवा वंशकार निवासी पाली उमरिया से करकेली की ओर जा रहे थे, तभी करकेली से बरबसुपुर जा रहे ऑटो में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें ऑटो में सवार चालक कौशल प्रसाद, उनकी पत्नी दुर्गावती एवं उनके मासूम पुत्र निवासी करकेली इस हादसे में गंभीर बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बताया जाता है कि घायल कौशल अपने परिवार को लेकर अपने ससुराल ग्राम बरबसपुर जा रहा था, तभी पुलिस लाइन और अमा फाटक के बीच दोनों में भिड़ंत हो गई। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दो की हालत गंभीर होने पर उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद संवेदनशील कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों सहित प्रबंधन से बातचीत कर जानकारी ली। है ऑटो का मोटरसाइकिल का हुआ है, इसमें दो व्यक्ति थोड़ा गंभीर हैं, उन दोनों को जबलपुर भेजा जा रहा है, बाकी लोग यहीं मैनेज हो रहे हैं, उनका इलाज यहाँ जारी रहेगा। दो व्यक्तियों को जिनकी प्राथमिक ट्रीटमेंट कर दिया गया है, तो उनको एम्बुलेंस से जबलपुर भेजा जा रहा है। सर, उनको सहायता मदद अभी क्योंकि मैं अचानक आया था यहाँ पर, तो दोनों परिवार जो जबलपुर जिनको रेफर किया जा रहा है, दोनों को अभी तत्काल वहाँ जबलपुर में खर्चे के लिए 1,000 रुपये दिए गए हैं, और अगर इन्हें आवश्यकता होगी तो इनको आगे भी और मदद की जाएगी। उमरिया से नीरज सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।